हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज डे 16 है। हम लोग 16वें वर्ड पे आते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 15 डे के वर्ड हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, वो भी सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जाके आप वो सारी वीडियो देख लेना एक लाइन से। 15 मिनट की वीडियो है बस। नॉर्मली ध्यान से उनको पढ़ना और लिख लिख के वो सारे वर्ड याद कर लेना। सारे वर्ड लर्न करना, याद तो कुछ नहीं होता है, लर्न कर लेना। चलो स्टार्ट करते, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आपका। पहला वर्ड है हॉस्टिलिटी। देखो हॉस्टिलिटी माने क्या होती है, शत्रुता होती है। HOSTILITY हॉस्टिलिटी माने क्या होती है, शत्रुता होती है। इनमिटी माने भी शत्रुता होती है। इनमिटी माने भी शत्रुता होती है। ENMIT इनमिटी माने भी शत्रुता ही होती है। फर्स्ट का ये ENMIT इनमिटी माने भी शत्रुता ही होती है। कुमुलेटिव माने चारों चीज़ें जोड़कर। कुमुलेटिव माने चारों चीज़ें जोड़कर होती है। कुमुलेटिव माने जो कैलकुलेशन से वर्ड बना है कि सारी चीज़ें जोड़ के होती है, उसे कुमुलेटिव बोलते हैं। इनिगमेटिक माने होता है पहली नुमा। इनिगमेटिक माने क्या होता है, पहली नुमा होता है। इनिगमेटिक माने क्या होता है जी, पहली नुमा होता है। और रिडल माने भी पहली होती है। RIDLE रिडल माने भी पहली होती है। इनिगमेटिक माने भी पहली नुमा होती है। रिडल माने भी पहली होती है। COD एक दूसरे का सिनोनियम्स है। COD एक दूसरे का सिनोनियम्स है। कुमुलेटिव माने क्या होता है जी, तीन चार चीज़ें जोड़ के। इनमिटी माने शत्रुता। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पहले का जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट वर्ड पे चले अपने। सेकंड वर्ड है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट माने क्या होता है, देखो आर्टिकुलेट माने होता है कि किसी चीज़ को स्पष्ट और बिल्कुल साफ साफ ढंग से बोलना होता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट। अब इसके आगे जब इन लग गया तो इसका मतलब होता है कि ये चीज़ को साफ साफ और स्पष्ट ढंग से ना बोल पाना, उसे इन आर्टिकुलेट बोलते हैं। इलोक्वेंट माने होता है प्रभावकारिता से बोलना, तो ये तो इसका होगा नहीं, ये तो कट हो गया। इनएविटेबल माने ये होता है कोई ऐसी चीज़ होने वाली होती है जिसको रुका ना जा सके। जैसे कि रात के 12 बजे अंधेरा होना है तो रात के 12 बजे अंधेरा हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो इनएविटेबल है। ये भी इन इसके माने होता तो ये भी नहीं होता। फ्लुएंट माने क्या होता है, लगातार बोलते रहना, बहुत अच्छे प्रभावकारिता ढंग से बोलना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो इसका मतलब ये दिया हुआ कि जो ढंग से ना बोल पाए। इनकोहरेंट ये इसका सही ऑप्शन है। देखो कोहरेंट माने होता है लगातार बोलना और इनकोहरेंट माने होता है लगातार ना बोल पाना। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का डी बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ आपने तीन और अच्छे वर्ड आप लोगों ने तैयार करे, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। SSC के बहुत फेवरेट वर्ड हैं जो आप लोगों ने तैयार करें। तीसरे वर्ड पर चलते हैं अपने। इनडिलीवल माने क्या होता है। डिलीट माने क्या होता है किसी को मिटा देना होता है। डिलीट माने क्या होता है, किसी चीज़ को मिटा देना होता है। इनडिलीवल माने जिसको आप मिटा ना सको। इनडिलीवल माने क्या होता है, जिसको आप मिटा ना सको। इलेजिबल माने जिसको आप पढ़ ना सको। IELLE इलेजिबल माने जिसको आप पढ़ ना सको। तो ये भाई कट हो गया। इनइफेक्टिव माने क्या, जो प्रभावकारी, जो प्रभाव ना डाल सको, उसे इनइफेक्टिव बोलते, कट गया। ये भी है। इरेज माने जैसे बचपन में हम लोग इरेजर से मिटारा करते थे ना, अब तो वो मिटा नहीं पाते, तो इरेज तो वर्ड होगा नहीं। बचपन में मिगाड़ा करते थे इरेज से, लेकिन अब तो मिटा नहीं पाते हैं, अब तो इरेजर का यूज़ करते नहीं थे। इरेज माने मिटाना होता है। इन इरेजेबल माने क्या होता है, जिसको मिटा ना सके। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ वर्ड को देते हैं इलीगल माने क्या होता है, जिस काम को हम अवैध रूप से करते हैं उसे इलीगल बोलते हैं। क्या होता है, जिस काम को हम अवैध रूप से करते हैं उसे इलीगल बोलते हैं। फोर्थ वर्ड पे आते हैं अपने। इनेप्ट माने क्या होता है, अयोग्य। इनेप्ट माने क्या होता है, अयोग्य होता है, बेतुका। इनेप्ट में अयोग या अनाड़ी टाइप का होता है, उसे इनेप्ट बोलते हैं। INEPT इनेप्ट में अयोग्य होता है, ठीक है। क्लम्सी माने क्या होता है, अनाड़ी। CLUMSY क्लम्सी माने क्या होता है, अनाड़ी होता है। क्लम्सी माने अनाड़ी होता है। स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है, मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत होता है। फेरी बोलस क्लम्सी माने अनाड़ी। तो पाँचवें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिफ्थ का ए बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत होता है, ये हो नहीं। फेरी बोलस देखो अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, ये SSC बार बार पूछता है। ये फेरी बोलस माने होता है कि अनइम्पॉर्टेंट होता है। इसी का एक सिनोनियम होता है ट्रिवल, TRIVAL
VIAL, ट्रिवल। ट्रिवल माने भी यही होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है, जस्ट इसका सिनोनिम होता है एलिवेट। एलिवेट भी इसका आंसर नहीं होगा। एलिवेट माने होता है किसी चीज़ को दुख कम करना होता है, किसी की पीड़ा कम करना होता है, उसे एलिवेट बोलते हैं। उसे संतावना देकर जिसकी पीड़ा कम करते हैं उसे एलिवेट बोलते हैं। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। छठे वर्ड पर चलते हैं, इनिशिएट। इनिशिएट इनिटिएटिव माने क्या होता है, किसी चीज़ को शुरुआत करना। INITIAT इनिशिएट माने क्या होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करना होता है। INITIAT इनिटिएट माने क्या होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करना होता है। ऑस्टेंटेटियस माने क्या होता है, दिखावा करने वाला होता है। OSTENTATIOS ऑस्टेंटेटियस माने दिखावा करने वाला होता है, तो ये भी इसका नहीं होगा। ऑफेंड, ऑफेंड माने क्या होता है, किसी से नाराज हो जाना, ये भी नहीं होता है। कॉमन सीमेंट, देखो बहुत अच्छा वर्ड है एसएससी का, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है एसएससी का। कॉमन सीमेंट माने स्टार्ट करना होता है। कमेंस, कॉमन सीमेंट माने स्टार्ट करना, COMMENC। कॉमन सीमेंट माने स्टार्ट करना होता है, COMMENC। कॉमन सीमेंट माने क्या होता है, स्टार्ट करना होता है। सिक्स का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैटास्ट्रोप, कैटास्ट्रोप माने क्या होती है, बर्बादी होती। कैटास्ट्रोप माने बर्बादी होती, तो ये भी कट गया। कैटास्ट्रोप माने क्या होती है, बर्बादी होती, तो ये भी कट गया। कैटास्ट्रोप माने बर्बादी होती, CATASTROPHE। कैटास्ट्रोप माने बर्बादी होती। सिक्स का सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ये तीन वर्ड और बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। ये कॉमन सीमेंट बहुत प्यारा वर्ड है एसएससी का, बहुत फेवरेट वर्ड है एसएससी का, बार बार पूछता रहता है। सातवें वर्ड पर चले भाई साहब अपने, इंट्रिकेट। क्या है जी, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट माने क्या होता है, किसी चीज़ को जटिल बनाना होता है। INTRICATE इंट्रिकेट माने क्या होता है, किसी चीज़ को जटिल बनाना होता है, किसी चीज़ को कठिन कर देना होता है। कनेक्टेड माने किसी चीज़ से जुड़ना होता है, जैसे कि आप कनेक्ट होते हैं ना अपने दोस्तों से, तो ये भी नहीं हो सकता। अटर, अटर अच्छा वर्ड, अटर माने होता है उच्चारण करना होता है, ये भी नहीं होगा। एडजेसेंट, एडजेसेंट माने क्या होता है, किसी के साथ हो, किसी के साथ चिपके होना। एडजेसेंट माने माने एक, जैसे एक दीवार दूसरी दीवार के साथ चिपकी होती है ना, उसे एडजेसेंट बोलते हैं। एडजेसेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है। एक मिनट रुकना, ये भी प्रीपोजिशन भी भैया तैयार कर लो। एडजेसेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है। और यहाँ पर डी है लेकोनिक। लेकोनिक माने क्या होता है, संक्षेप होता है। लेकोनिक माने क्या होता है, संक्षेप में कोई चीज़ बताना होती है। तो यहाँ तो ये तो इसका वर्ड है नहीं। लोग जो इंट्रिकेट के साथ जो वर्ड आता है, इंट्रिकेट के, इंट्रिकेट जो है इंट्रिकेट के साथ जो उसका सोनोनियम्स है वो कॉम्प्लेक्स है। COMPLEX कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। इंट्रिकेट का सोनोनियम कॉम्प्लेक्स है। इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। आठवें वर्ड पे अपने चलते हैं, आठवें वर्ड पे चलते हैं, लेमेंट। लेमेंट माने क्या होता है, उदासी या निराशा होती है, उसे क्या बोलते हैं, लेमेंट बोलते हैं। लेमेंट माने क्या होती है, उदासी या निराशा होती है, उसे लेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेमेंट बोलते हैं। देखो पहला वर्ड है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट माने क्या होता है, किसी चीज़ से जुड़े होना, उसे एफ्लिक्ट बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। मौर्द, मौर्द माने क्या होती है, दुख होता है, दुख होता है, मौर्द माने दुख होता है। ये वर्ड बिल्कुल सही है। आठवें का बी बिल्कुल सही है, आठवें का बी बिल्कुल एसएससी ने आंसर दिया। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट माने की यातना होती है। टॉर्मेंट माने क्या होती है, यातनाएँ होती है। जैसे नाजी कैंप में लोगों को यातनाएँ दी जाती हैं, हिटलर जो नाजी कैंप में लोगों को यातनाएँ देता है उसे टॉर्मेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, टॉर्मेंट बोलते हैं। उस टाइप की जो यातनाएँ होती है उसे टॉर्मेंट बोलते हैं। यानी कि मतलब मौत के बराबर जो यातना दी जाती है उसमें मारा पीटा जाता है, उसे यातना बोलते हैं, टॉर्मेंट। अच्छा वर्ड एसएससी ने अभी हाल ही में पूछना स्टार्ट करा है, लेमेंट ये होता है। सी डी ऑप्शन है, ये एसएससी का प्यारा रैम्पेड। रैम्पेड माने एसएससी का बहुत प्यारा वर्ड है, काफ़ी बार एसएससी पूछ चुका है। रैम्पेंड, रैम्पेंड माने क्या होता है, उग्र होता है। रैम्पेंड माने क्या होता है, उग्र होता है। किसी बात को लेकर उग्र हो जाना उसे रैम्पेंड बोलते हैं। देखो राम ने पैंट पहनी, जो राम पैंट पहने तो बहुत जल्दी जल्दी लोग नहीं पैंट पहनते हैं, उसे रैम्पेंड। तो बहुत जल्दी जल्दी उग्र होना किसी बात, बहुत जल्दी जल्दी कौन उग्र होता है, जो जिसको हल बात में जल्दबाजी रहती, भड़बड़ी रहती, उसी को रैम्पेंड बोलते हैं। तो आठवें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नौवें वर्ड पर चले अपने, लेथल। लेथल माने क्या होता है, घातक होता है। लेथल, लेथल माने क्या होता है, घातक होता है। LETHAL लेथल, लेथल माने क्या होता है, घातक होता है। हार्मलेस, हार्मलेस माने क्या होता है, जो हानिकारक ना हो। हार्मलेस माने क्या होता है, जो हानिकारक ना हो। हार्मलेस माने जो हानिकारक ना हो, ठीक ये तो घातक है। फैटल, फैटल माने घातक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नाइन्थ का बी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन पर देख, तीसरा चौथा ऑप्शन दोनों ही अच्छा ऑप्शन है। रोबस्ट, रोबस्ट माने क्या होता है, रोबस्ट माने होता है मजबूत।
ये रोबस्ट माने वो लोग होते हैं जो लोग शरीर से काफ़ी मजबूत और हेल्थी टाइप के लोग होते हैं, उन्हें रोबस्ट बोलते हैं, RoBUST। उन्हें क्या बोलते हैं? रोबस्ट बोलते हैं, RoBUST, रोबस्ट हेल्थी मजबूत टाइप के लोग होते हैं। रिक्यूपरेट माने क्या होता है? बीमारी से उभरना होता है। एक और वर्ड होता है रिक्यूपरेट के साथ, रिक्यूपरेट बीमारी या नुकसान से उभरना होता है, कॉन्वेलेसेंस, CONVALESCENCE। कॉन्वेलेसेंस माने क्या होता है? बीमारी से उभरना होता है, उसे कॉन्वेलेसेंस बोलते हैं। कॉन्वेलेसेंस की स्पेलिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पे CONVALESCENCE। कॉन्वेलेसेंस माने क्या होता है? बीमारी से उभरना होता है या बिजनेस में नुकसान से उभरना होता है, उसे कॉन्वेलेसेंस या रिक्यूपरेट बोलते हैं। दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। दसवें वर्ड पे चले भाई साहब अपने, मैमोथ। मैमोथ माने क्या होता है? देखो मैमोथ बहुत अच्छा वर्ड है। मैमोथ माने विशाल होता है, विशाल। मैमोथ माने विशाल होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मैग्निफिशेंट माने क्या होता है? शानदार होता है, तो ये तो हुआ नहीं। पेरिलस माने खतरा वाला होता, खतरनाक होता, ये भी नहीं हुआ। मिनीशुकल माने छोटा, बहुत छोटा छोटा, ये तो उसका जस्ट एंटोनियम्स हो गया। गिगेंटिक, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी। एक मिनट रुक जाओ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। गिगेंटिक, गिगेंटिक माने क्या होता है? विशाल होता है। गिगेंटिक माने क्या होता है? विशाल होता है। मैमोथ का जस्ट बड़ा, ह्यूज भी होता है, HUG। ह्यूज, ह्यूज माने भी बड़ा होता है, ह्यूज, ह्यूज माने भी बड़ा ही होता है। गिगेंटिक से भी बड़ा ह्यूज, गिगेंटिक का मैमोथ से बड़ा गिगेंटिक होता है। गिगेंटिक से बड़ा, गिगेंटिक और ह्यूज एक दूसरे के जस्ट सिनोनिम्स होते हैं, एक दूसरे जस्ट सिनोनिम्स होते हैं। एंड ये कुछ 10 वर्ड थे मैंने जो यहाँ डिस्कस करे। ऐसे आपको 10-10 वर्ड की लिस्ट मिलती रहेगी।